गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर। कल हमने अपना चैप्टर था कंप्लीट करने वाले थे, थोड़ा सा रह गया लास्ट पैराग्राफ, हम उसी पर चलते हैं आज। कि हमने कल पढ़ा था कि लर्निंग जेंडर, कल्चरल डिफरेंसेस, कि हमारे समाज जो है सोसाइटी उसमें हमें कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन झेलने पड़ते हैं बिटवीन मैन एंड वुमैन, गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। उसके बाद हमने जेंडर रोल पब्लिक प्लेसेस पे पढ़ा था कि पब्लिक प्लेसेस पर क्या क्या फेस करना पड़ता है। उसके बाद हमने डोमेस्टिक हेल्प पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमिक्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स, यानी आर्थिक और सामाजिक पहलू। अब देखिए, द सोशल एस्पेक्ट्स कंसर्न हाउ वी ट्रीट द वुमैन इन द फैमिली इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर शी इज एन अर्निंग हैंड और नॉट। क्या है कि ये सोचने की बात है कि समाज में जो सोशल एस्पेक्ट है कि किस तरह से हम फैमिली में वुमेन को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उनको तो हम अपमान करते हैं, हमें अपमानित करने की जगह क्या करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है। शी इज एन अर्निंग हैंड और नॉट, चाहे वो अर्निंग हैंड यानी वो कमाती हो या ना कमाती हो, लेकिन हमें उन्हें क्या देना है, रिस्पेक्ट देनी है, जो कि हम उन्हें नहीं देते हैं। द क्लासिकल एग्जाम्पल इज दैट ऑफ डिफ्रेंशिएशन इन रैंकिंग ऑफ मैन एंड वुमेन इन एनी सोशल गैदरिंग। अब क्या है कि एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम इनको रिस्पेक्ट दें। है कि एग्जाम्पल इज दैट डिफ्रेंशिएशन इन रैंकिंग ऑफ मैन एंड वुमेन इन एनी सोशल गैदरिंग। अब क्या है कि समाज में हम इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो द रोल्स परफॉर्म्ड आर गिवन बाय द सोसाइटी और द कम्युनिटी, यानी किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में, किसी भी कम्युनिटी में ये रोल प्ले करते हैं और फिर उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये एक सोचने का विषय है। यानी जैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट कंसर्न, अब जो आर्थिक पहलू है उसमें क्या सोचने की जरूरत है कि हाउ द सेम सोसाइटी डीवैल्यूज द वर्क वुमेन डू, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है किस तरह से डीवैल्यू करती है, ठीक है, वुमेन की, यानी जो काम है, जो औरत जो काम करती है, महिला जो काम करती है उसको डीवैल्यू करती है, यानी उसका कोई भी मूल्य उसको नहीं दिया जाता। अगर यही काम कोई आदमी करे तो वो की वैल्यू होती है, अगर कोई काम औरत करती है, महिला करती है, तो उसे कोई वैल्यू नहीं दी जाती। इट इज़ पर्टिकुलरली सो इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑल्दो इन रिसेंट डिकेड्स वुमेन हैव कम टू ऑक्यूपाई एग्जीक्यूटिव पोजिशन बोथ इन द गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। लेकिन अब क्या है, आजकल जो स्थितियां हैं वो बदल रही है। अब क्या है, आज के समय में क्या हम डिसीजन क्या लेना है कि जो अभी जो दशक चल रहा है उसमें अब महिलाएं कहाँ एग्जीक्यूटिव पोजिशन, यानी जो विधायी कार्य हैं उनमें भी भाग ले सकती हैं, को पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना सहयोग दे सकती हैं और किसी भी कार्य में वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। द की चैलेंज ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, अब सबसे बड़ा जो डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी मीन जो असमानता है, वो सबसे बड़ी चुनौती है, हैज़ नॉट येट बीन एड्रेस टू। क्या है कि अब इतनी बड़ी चुनौती है, हम उनको क्या है कि अच्छी तरह से संबोधित भी नहीं कर सकते, उनका समाज में प्रॉपर स्थान भी नहीं दिलवा सकते। देयर आर की इशू लाइक द पोटेंशियल वुमेन हैव एंड द सोशल कंसंट्रेट ऑफ फैमिली लाइफ। अब क्या है, की इश्यूज है कि कोई भी महिला है काम करने वाली और उसको जो समाज में जो उसके लिए बाधाएं हैं वो किस तरह से हम दूर करें। कॉन्सेंट्रेट मतलब जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं उसकी फैमिली लाइफ में, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैनी इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन इन रिसेंट ईयर टू प्रमोट जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड स्ट्रेंथनिंग जेंडर इक्वलिटी इन डिफरेंट फील्ड, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। यानी भारत हमारा क्या है, विकासशील देश है, तो इस देश में जेंडर को प्रमोट करने के लिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या है, जेंडर इक्वलिटी बहुत ही ज़रूरी है। द फोकस इज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब क्या है, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि इनको ऑर्गेनाइजेशनल
यानी इनको क्या है, क्षमता देनी चाहिए, हमें हर काम में इनको आगे बढ़ने की छूट देनी चाहिए। इस तरह से हम जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो जेंडर इक्वलिटी हमें चाहिए। इन दिस रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी रिमेन्स एंड इशू एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट वेरियस डिस्पैरिटीज। क्या है कि अब ये डिस्क्रिमिनेट तो है ही, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तो है ही एक अलग पहलू, लेकिन इनके अलावा जो हमारे देश में जो गरीबी है, ठीक है, उस गरीबी को भी दूर करना है, ये मेन इशू है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इकोनॉमिक्स जो एरिया है उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे और महिलाएं भी उसमें आगे बढ़ सकती है। जो अब क्या करना है कि सबसे पहले इंटरनेशनल कॉपरेशन में जो इस मेन इशू को है एलिमिनेट यानी खत्म करना है, कौन सा, जो पॉवर्टी है उसको खत्म करनी, यानी गरीबी को खत्म करना। अब वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, क्या है कि महिला का कार्य और समानता, किस तरह से हम में समानता ला सकते हैं। वुमेन ऑफ दिस टाइम वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली लाइक मेल एट होम एज वेल एज प्लेस ऑफ देयर वर्क। महिला क्या है आज के समय में क्या चाहती है कि ट्रीटेड इक्वली, कि उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, जैसे कि मेल के साथ होता है घर में भी और जहां पर वो काम करती है वहां पर भी उसे बराबर का दर्जा मिले, यानी घर में भी उसे पुरुषों के बराबर दर्जा मिले और जहां वो बाहर काम करती है वहां पर भी उसे पुरुषों के बराबर दर्जा मिले। आज कल वुमेन ये चाहते, दे कैन डू एनीथिंग दैट कैन मैन डू। अब देखिए, दे कैन डू एनीथिंग यानी महिलाएं वे सब कर सकती हैं जो कि आदमी कर सकते हैं। ऐसा कोई काम है जो आदमी कर सकते हों और महिलाएं ना कर सकती हों, ऐसा कोई काम नहीं है। यानी कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं का बोलबाला है। दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, यानी वो डिसीजन लेने में भी कैपेबल है, ऑन देयर ओन यानी अपने आप वो डिसीजन ले सकती हैं। वेल वी ऑफन टॉक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, क्या करते हैं कि हम अक्सर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण यानी महिला को पावरफुल बनाने की बात। वेयर एज द इशू ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर वुमेन आर ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर टू ऑल स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब मेन इशू क्या है कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है कहीं पर भी हो, मेन इशू है कि वहां पर वुमेन को इक्वल पार्टनर बनाया जाए। जैसे कि मैन होता है, मैन को जो जो फैसिलिटीज दी गई हैं, उनको जो जो पेड़ मिलता है यानी जितने जितने उनको काम करने के पैसे मिलते हैं उतने ही पैसे महिला को भी मिले, यानी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाए जहां महिलाएं और पुरुष बराबर काम करें और उनको बराबर ही आदर सम्मान मिले और बराबर ही उनको क्या जो सैलरी है वो भी मिले। गिविंग इक्वल स्टेटस टू वुमेन, ठीक है, और वुमेन को इक्वल स्टेटस मिले, अगर नहीं मिलेगा तो क्या है, टू पावर इज नॉट एम्पावरमेंट। अगर वुमेन को इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है तो वो सशक्तिकरण के अंदर नहीं आता, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं जो है वो पावरफुल हैं। एंड इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। आपको भी पता है कि हमारे जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि समानता का अधिकार जो हमें मिला है, राइट टू इक्वेलिटी, आप सबको ही पता है। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, चाहे कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, सबको बराबर का दर्जा मिलेगा, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जब तक महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा तो जो हमारे डेमोक्रेसी का जो मेन प्रिंसिपल है वो सही साबित नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिर हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके अनुसार काम हम नहीं कर सकते, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है फिर डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोकसिंग ऑन गिविंग इक्वल इकोनॉमी, और जो हमारा भारत का जो संविधान है वो किस बात पे फोकस करता है कि गिविंग इक्वल इकोनॉमी, कि सभी को इक्वल इकोनॉमी मिली, यानी कि सभी को अपने आय के बराबर साधन प्राप्त हो, एंड सोशल राइट सामाजिक अधिकार भी मिले मैन एंड वुमेन यानी महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। एज ए रिजल्ट ऑफ इट मोर एंड मोर गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर सबको बराबर का अधिकार मिलेगा तो उसका क्या परिणाम निकलेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो गर्ल्स हैं वो
स्कूल जाएंगी, ठीक है, और स्कूल जाएंगी तो सभी शिक्षित बनेंगी, अब शिक्षित बनेंगी तो वो हमारे समाज को आगे बढ़ने में सहायक होंगी। इवन मोर एंड मोर वुमेन हैव कम आउट ऑफ देयर होम टू वर्क इन ऑफिस एंड फैक्ट्री। और जब वो पढ़ लिख जाएंगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बाहर काम करेंगी, अपने घरों में भी से निकलकर ऑफिस में काम करेंगी, फैक्ट्रीज में काम करेंगी, यानी वो इंडिपेंडेंट बनेंगी। वुमेन हैव बीन टेकिंग पार्ट इन सोशल वर्क, फिर और वुमेन उसके बाद जब शिक्षित हो जाएंगी तो वो सोशल सामाजिक कार्य में भी अपना योगदान दे सकती हैं। ऑल दीज एक्टिविटी हैव मेड दैम सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये सारे काम क्या है, महिलाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगे एज वेल एज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यानी वो सेल्फ कॉन्फिडेंट तो होंगी साथ साथ ही वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होंगी, यानी उन्हें अपने बेहतर जीवन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना होगा। तो आज हमने ये अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, उसी को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम। रिकैपिटुलेशन यानी रिकैप, यानी जो पढ़ा है उसको एक बार से हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग क्या बताया था मैंने, अपब्रिंगिंग होता है परवरिश। अपब्रिंगिंग इज ए पर्टिकुलर वे इन विच अ चाइल्ड ग्रोज अप, यानी परवरिश क्या है, वो तरीका जिसने की किस तरीके से कि बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, यानी परवरिश से ही बच्चा बड़ा होता है। जब हम परवरिश करेंगे तो उसी हिसाब से बच्चा बड़ा होगा। उसके बाद है द टर्म जेंडर सिग्निफाइज अ सोशियो कल्चर वे। अब यहाँ पे देखिए जो टर्म जेंडर है वो क्या सिग्निफाई करती है, सोशियो कल्चर वे, यानी जेंडर हमें कहाँ से मिलता है, सोशल कल्चर से, यानी सामाजिक सांस्कृतिक तरीकों से, यानी समाज हमें जेंडर प्रदान करता है। विच रिफर सोशली डिफाइंड रोल्स, और वो सामाजिक रोल भी प्ले करते हैं, एंड बिहेवियर असाइन टू मेल एंड फीमेल। तो जेंडर के अकॉर्डिंग ही क्या है, मेल और फीमेल के बिहेवियर असाइन किए जाते हैं, कि हमें बता दिए जाते हैं कि तुम फीमेल हो तो तुम्हें ये काम करने हैं और मेल है तो तुम्हें ये काम करने हैं। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप इज एन अजम्पशन और जनरलाइजेशन ऑफ ऑल मेंबर ऑफ ए ग्रुप बेस्ड ऑन इमेज ऑफन इनकरेक्ट अबाउट व्हाट पीपल इन दैट ग्रुप आर लाइक। स्टीरियोटाइप क्या है, कि एक ऐसी कल्पना है जो पुराने लोग या लोगों की जो पुरानी धारणाएं हैं उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं, यानी कि उनके माइंड में जो कोई एक बात बैठ जाती है वो स्टीरियोटाइप है। इज एन अजम्पशन एक कल्पना है, और जनरलाइजेशन ऑफ ऑल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, यानी जितने भी मेंबर हैं ग्रुप में, यानी समाज में जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, जेंडर के बेसिस में वो डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं जो कि उनके माइंड में है। ऊपर भी मैंने बता दिया है कि फेलो मेल के, तो क्या करता है, जो जेंडर जो शब्द है वो हमें समाज देता है, और जो हमारा सेक्स शब्द है वो हमें क्या है, बाय बर्थ मिलता है, वो बायोलॉजिकल है। समोअन चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। अब जहाँ पर देखिए जेंडर हमने समोअन चिल्ड्रंस के या समोआ आइलैंड में जो हमने पढ़ा था उसके बेस पे हम समझ गए थे कि जो समोआ चिल्ड्रन है वो स्कूल नहीं जाते, बट दे लर्न थिंग्स सच एज टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग वंस, यानी वो अपने यंगर्स के केयर टेकर है रहते हैं, यानी वो उनकी देखभाल करते हैं चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो। इन इंडिया देयर इज प्रेफरेंस फॉर मेल इन्फेंट्स वेयर एज इन समोआ, यानी इंडिया में क्या है, मेल प्रेफरेंस को, मेल इन्फेंट यानी जो मेल बच्चा है उसको प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि परिवार में अगर बेटा हुआ है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, लेकिन समोआ में ऐसा नहीं है, वहाँ दोनों को ही प्रेफरेंस दी जाती है, दोनों का ही महत्व होता है, लड़के का भी और लड़की का भी। द 19th सेंचुरी अमेरिकन्स इन रूरल एरियाज वैल्यूड बॉयज मोर देन गर्ल्स। 19th सेंचुरी में अमेरिका में क्या है, रूरल एरियाज में क्या होता था कि बॉयज को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी गर्ल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एट पब्लिक प्लेसेस देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टेकिंग प्लेस इन इंडिया दीज डेज। मैंने पढ़ाया था आपको कल की क्लास में कि यानी इन दिनों प्रेजेंट में ही जो वुमेन्स हैं उनके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं घटती हैं पब्लिक प्लेसेस पे, ईव टीजिंग होती है, मोलेस्टेशन होता है उनके साथ, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। तो ये क्या है, ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनके अगेंस्ट
से क्या है, वायलेंस है, हिंसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया वुमेन डू प्रोडक्टिव अनपेड वर्क ऑफ मैनी टाइप्स अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क। अब क्या है, रूरल एरियाज में क्या है, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, जो औरतें हैं वो प्रोडक्टिव वर्क करती हैं लेकिन विदाउट एनी पेड, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क तो वो करती हैं, उसके अलावा बहुत सा प्रोडक्टिव वर्क भी करती हैं, मान लो बाहर जाकर, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी पे नहीं किया जाता, कुछ भी पे नहीं किया जाता, कोई भी सैलरी उनको नहीं दी जाती है। तो क्लियर होगा सबको, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आज हम इसका बुक वर्क देखते हैं। तो सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन, फोर ऑप्शंस दिए हैं, उसमें आपको एक सही पर, जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है। डैश इज अ पर्टिकुलर वे इन विच अ चाइल्ड ग्रोज अप, क्या है। अब इसमें से क्या है, क्या लव इज ए पर्टिकुलर वे, या केयर इज ए पर्टिकुलर वे, या अपब्रिंगिंग इज अ पर्टिकुलर वे, या ऑल ऑफ दीज, ये सारे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जिससे कि बच्चा बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जब बच्चा किसके अकॉर्डिंग बड़ा होता है, जो अपब्रिंगिंग है, परवरिश, उसके अकॉर्डिंग, जैसे उसको परवरिश दी जाएगी वैसे ही वो अपनी ग्रोथ करता है। क्लियर है इतना, तो आगे चलते हैं। द टर्म डैश इज अ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फिनोमेना विच डिफाइंस मैन एंड वुमेन, यानी इनमें से कौन सी टर्म बायोलॉजिकल है और फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, जेंडर तो नहीं है, ठीक है। तो सेक्स जो है कि बायोलॉजिकल है, जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, ठीक है, या आइडेंट सेक्स की आइडेंटिटी हमें बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मिलती है। तो इसका सही क्या है, अब इस पर्टिकुलर। नेक्स्ट है, द टर्म डैश सिग्निफाइज ए सोशियो कल्चरल वे, यानी सोशल कल्चरल वेज हमें क्या आइडेंटिटी देते हैं, सेक्स या जेंडर, तो वो हमें देते हैं जेंडर। क्लियर है। नेक्स्ट, इन इंडिया देयर इज प्रेफरेंस फॉर डैश इन्फेंट, इंडिया में किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मेल या फीमेल इन्फेंट को, मेल चाइल्ड को या फीमेल चाइल्ड को, यानी मेल चाइल्ड, इसका सही ऑप्शन है मेल। आगे चलते हैं हम, 8 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट इन द ब्लैंक्स है द टर्म सेक्स इज ए डैश फेनोमेना, तो इसमें क्या आएगा, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है, क्या है इसमें, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, इसमें आप फिल कर लीजिए। बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये देखिए जो आपका ये ऊपर है लिखा हुआ है, इसी को आपको इस फिलअप में फिल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिलअप में ये आप फिल कर लीजिए। नेक्स्ट, द समोआ इज एन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ आप क्या फिल करोगे,
पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, सेकंड में आप पैसिफिक ओशियन फिल करोगे। नेक्स्ट है, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड फिलअप आपके हो गए हैं। थर्ड है अमेरिकन इन रूरल एरियाज वैल्यू बॉयज, किसको वैल्यू करते हैं वो, बॉयज को, ठीक है। तो यहां आएगा बॉयज इन द रूरल एरियाज। थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ देखिए अब, इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में वुमेन डू प्रोडक्टिव अनपेड वर्क, यानी जो भी प्रोडक्टिव वर्क करती हैं वो क्या होता है, वो अनपेड होता है, यानी उन्हें कुछ भी पेमेंट नहीं दी जाती है, यानी बिना पैसों के उनसे काम करवाया जाता है। तो बहुत ही इजी है ये। अब नेक्स्ट टिक, द करेक्ट कलर्ड वर्ड है उनमें टिक, सही सही वाले को टिक करना है। तो एनएस एसओ मीन्स क्या बताया था मैंने, जब आपको कल की क्लास में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है या नेशनल शॉर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। अब इसमें आईएलओ का फुल फॉर्म बताना है। आईएलओ मीन्स इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, क्या होता है आईएलओ का मतलब, का होता है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, यानी ये वाला। एनजीओ मीन्स नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, तो इसका होगा नॉन गवर्नमेंट एजेंसी। क्लियर है आज की क्लास में, आपका बुक वर्क हो गया है, आपके सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।